आदित्य ठाकरे ने लास्ट टाइम रिया चक्रवर्ती को कॉल किए थे 44, इस बारे में आदित्य ठाकरे ने क्या एक्सेप्ट किया है ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके बारे में बहुत बड़ा खुलासा है, ये बहुत बड़ी बात है और इससे पूरा का पूरा सुशांत सिंह राजपूत का केस ही सॉल्व हो जाएगा। क्या है ये पूरा मामला इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, लास्ट तक जरूर बने रखिए क्योंकि लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि लिटरली हुआ क्या है। और ये जरूर है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा क्योंकि मैं तो किसी के बाप से डरता नहीं हूं, आपको शेयर करने में किससे डर है, तो प्लीज शेयर जरूर करेगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। अब मैं बात करता हूं आदित्य ठाकरे की। बहुत बार ये बातें हुई थी कि रिया चक्रवर्ती को लास्ट टाइम सुशांत सिंह राजपूत के जाने के पहले 44 टाइम्स कॉल किए गए थे आदित्य ठाकरे की तरफ से। इस बारे में जब रिया को पूछा गया, बताता हूं सच्चाई लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना जरूरी है। जब रिया को पूछा गया आज तक के इंटरव्यू में, जो आपको पता है हुआ था इंटरव्यू, उसमें रिया चक्रवर्ती ने बोला था कि वो AU नाम मेरे मोबाइल में सेव है, अदिंता उदास करके कोई लड़की है मेरी दोस्त है, उसने कॉल की थी। भाई उसने तुमको 44 कॉल क्यों कर दिए? शिवानी दांडेकर अगर तुमको कॉल करती या महेश भट्ट कॉल करता तो समझ में आता है भाई तुम सुशांत के साथ तुम्हारा क्या है क्या नहीं, जो सच हमको पता है, लेकिन फिर भी अगर वो कॉल करते तो समझ में आता है। आनंदिता उदास कौन है ये? ये पहली बार नाम सुना, ये नाम ही कैसे लिया तुमने? पहली बार। दूसरी बात आदित्य ठाकरे को क्या बोला मैं बताता हूँ, रुको। अब दूसरा बात अगर ये है कि इस बारे में संसद में भी कई बार नाम निकला है, अब मैं बताता हूँ इसके बारे में हुआ क्या। राहुल शेवाले ने पहले बोला था संसद में कुछ दिन पहले, रुको आदित्य ठाकरे के बारे में बताऊंगा यार रियल सच्चाई है, लेकिन राहुल शेवाले ने ये बात बोली थी, एकनाथ शिंदे के आदमी है वो, उन्होंने बोली थी कि आदित्य ठाकरे को एक्चुअली उन्होंने ये बात बोली संसद में कि रिया चक्रवर्ती को AU के नाम से 44 कॉल्स टाइम के कॉल किया गया, रिसीव कॉल हुए, 44 टाइम बात हुई और बिहार पुलिस के हिसाब से AU मतलब आदित्य ठाकरे है, अब AU मतलब आदित्य उद्धव ठाकरे है। अब इस तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने आदित्य ठाकरे का नाम लिया कि आदित्य ठाकरे ने 44 टाइम कॉल की। अब इस बारे में आदित्य ठाकरे ये बोल रहे हैं कि इसमें पहले तो श्योरली बोला, एक छोटा सा ये दिया और उसके बाद क्लियर कट उन्होंने डिस्क्रिप्शन बताया, और इसकी ये क्लियर डिस्क्रिप्शन के बताने के बाद मैं आपको एक ऐसा सबूत दूंगा कि आपको साबित हो जाएगा किसने कॉल किया। पहले तो उन्होंने शॉर्टकट में एक बात बोली कि आई विल ओनली से, मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, लव यू मोर, ठीक है, छोटा सा बोल दिया, वो पॉलिटिशियन हर बार बोलता है, लेकिन इसके बीच में उन्होंने दूसरी बात क्या बोली कि ये सिर्फ और सिर्फ ये मेरा नाम जो रिया चक्रवर्ती के साथ जोड़ा जा रहा है, 44 टाइम्स कॉल किया और ये सब चीजें संसद में उछालते हैं, ये सिर्फ इसलिए कि ये सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए है कि एकनाथ शिंदे ने जितने भी BMC के रोड वगैरह इन सब चीजों में इतना बड़ा घोटाला किया है, इतने ज्यादा पैसे खाए हैं एकनाथ शिंदे ने कि ये सारी चीजें जो मैं खोल रहा हूं उसको छुपाने के लिए ये 44 टाइम्स कॉल किया और ये सारी चीजें की। वो आदित्य ठाकरे ऐसा बोल रहे कि ये सारी चीजें एकनाथ शिंदे के क्राइम छुपाने के लिए, केस को डाइवर्ट करने के लिए मेरा नाम लिया जा रहा है, जो पहले भी आदित्य ठाकरे बोल रहे थे। लेकिन अब इसके बारे में मैं आपको सच्चाई बताता हूं, क्या सच्चाई मुझे एक बात बताए, बिहार पुलिस बोलता है सीना ठोक के AU का मतलब आदित्य उद्धव ठाकरे, रिया चक्रवर्ती बोलती है AU ने मुझे कॉल किया, ये AU आदित्य उद्धव ठाकरे नहीं है, आनंदिता उदास है जिसका नाम हमने जिंदगी में कभी नहीं सुना, रिया के साथ ना उसका आनंदिता उदास का कोई फोटो है, ना आनंदिता उदास के नाम से कोई लड़की हमने देखी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ना ही अगर कोई होगी भी तो आनंदिता उदास के नाम से हमने रिया के नाम कभी जोड़ा ही नहीं, कभी सुना दिखाई दिया नहीं रिया के साथ नाम, जैसे शिवानी दांडेकर का नाम रिया के साथ है, रोडीज का नाम रिया के साथ है, शोभिक का नाम रिया के साथ है, कई सारे फरहान अख्तर का नाम रिया के साथ है, कई सारे लोग रिया को सपोर्ट करते हैं उनका नाम भी हमें पता है, आनंदिता उदास का नाम तो पता ही नहीं है, ये क्या नाम बनाया गया था कि बाद में रिया ने ऐसे, जो भी है आपको मालूम होगा, वो सारी चीजें मैं बोल नहीं सकता, लेकिन उसके ऊपर 44 कॉल टाइम जो आया है रिकॉर्ड। अब इस बारे में जो बोलते हैं कि SIT टीम भी जांच कर सकती थी कि 44 टाइम रिसीव कॉल किए गए, नंबर से पता चल जाएगा, लेकिन SIT टीम ये केस ओपन नहीं कर रही, CBI के पास तो सारे कॉल रिकॉर्ड है, CBI एक ऐसी एजेंसी है वो आज अगर सोचे कि नहीं मुझे
बड़े से बड़े नेता, मतलब समझो एक एग्जांपल के नाम पे लेता हूँ, मुझे मालूम है बहुत प्यारे नेता है, तो एक एग्जांपल के नाम पे बता रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ। अगर योगी आदित्यनाथ का भी कॉल रिकॉर्ड निकालना चाहे सीबीआई तो निकाल सकती है, सीबीआई के ऊपर थोड़ी ना कोई होता है। तो इसीलिए वीवीआईपी के नंबर का भी कॉल रिकॉर्ड निकाला जाता है, एक वीवीआईपी नंबर होता है और एक वीवीआईपी नंबर होता है। वीआईपी नंबर सिर्फ 9 डिजिट का होता है, आपको बता दो एक अच्छी बात, वीआईपी नंबर सिर्फ 9 डिजिट का होता है, जो सलमान खान का है, जो मेरे पास है इसलिए मुझे पता है। दूसरा एक 8 नंबर का होता है वीवीआईपी, जो प्रोटोकॉल से अलग होते हैं, जो प्रधानमंत्री का या सीएम का, इन लोगों का होता है, वो उनको पास नंबर जाना, वो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके, वहां पे नंबर आप डायल करना मतलब बड़ा रिस्की मामला है, मतलब बहुत ही आप क्लोज हो गए तो करना डायल, वरना बहुत रिस्की मामला है वो। इसीलिए तो ऐसे वीवीआईपी नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स भी सीबीआई उनके कॉल रिकॉर्ड निकाले जा सकते हैं, और सीबीआई अगर बोले वो वीवीआईपी नंबर से रिलेटेड, उस कंपनी के रिलेटेड, तो सीधा सीधा वीवीआईपी नंबर्स के भी फोन टैप किए जा सकते हैं। तो ये क्या बात कर रहे हो तुम, और वीवीआईपी नंबर सारे रिकॉर्डेड होते हैं उस कॉल सेंटर पे, आपको पता होगा ये बात, ये सारे के सारे रिकॉर्डेड होते हैं, ये प्रोटोकॉल्स है, कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन एजेंसीज निकाल सकती है। तो ये 44 कॉल्स वाला जो मामला है तो सीबीआई के साथ में आया होगा, पहली बार सीबीआई के पास है, राइट। एयू के नाम से तो कुछ है ही नहीं, एयू के नाम से कुछ और नाम बताना तो उसका कोई प्रूफ दिखाई नहीं, आनंदिता उदास जो रिया चक्रवर्ती बोला वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है आप समझ जाओ, एयू का मतलब बिहार पुलिस बोल रही है आदित्य उद्धव ठाकरे, उसके बाद राहुल शेवाले बोलते हैं कि एयू के नाम से कॉल किया गया 44 times तो महेश भट्ट ने भी नहीं किया होगा रिया चक्रवर्ती को, मुझे ऐसा लगता है। तो उससे ज्यादा क्लोज और कौन है रिया चक्रवर्ती के, जो हमारे सामने आया ही। एंड ऑफ द डे कहने की स्टोरी ये है कि आपको समझ आ गई सच्चाई, मुझे समझ में आ गई सच्चाई। बस इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा सुशांत सिंह राजपूत के लिए, उसके मोहब्बत के लिए और उसके जस्टिस के लिए, जिसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर ही रहा हूँ, लेकिन आपको कम से कम शेयर तो कर ही सकते हैं यार, प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू।